नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। कर्नाटक कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बताया अंगूठा छाप। डीके शिवकुमार बोले, नौ सीखे की गलती थी। कर्नाटक में 30 अक्टूबर को दो विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध तेज हो गया है, लेकिन इसी बीच कर्नाटक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। कर्नाटक में दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को ठीक पहले सियासी जंग उस समय निचले स्तर पर पहुंच गई जब कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें अंगूठा छाप या अशिक्षित बता दिया। कन्नड़ भाषा में किए गए इस ट्वीट में कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस ने स्कूल बनवाए, मोदी ने पढ़ाई नहीं की। वयस्कों की शिक्षा के लिए योजना लेकर आए तब भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की। भीख मांगने पर रोक है, लेकिन भीख मांगकर आसान जीवन जीने वाले लोगों को भिखारी बना रहे हैं। देश अंगूठा छाप मोदी की वजह से भुगत रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट को लेकर भाजपा की प्रवक्ता मालविका अविनाश ने कहा है कि केवल कांग्रेस ही इतना नीचे गिर सकती है, ऐसी टिप्पणी जवाब देने लायक भी नहीं है। इस ट्वीट को लेकर अब कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया टीम को इस ट्वीट को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट को करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, डीके शिवकुमार ने इसके बाद ट्विटर पर माफी भी मांगी है और बताया है कि ये नौ सीखे की गलती थी। उन्होंने लिखा है, मेरा हमेशा से मानना है कि राजनीतिक चर्चा में नागरिक और संसदीय भाषा होना जरूरी है। कर्नाटक कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए एक नौ सीखे सोशल मीडिया मैनेजर की ओर से किया गया असभ्य ट्वीट खेदजनक है और इसे हटा लिया गया है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।